अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाएं। और ये है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले हमने केमिकल बॉन्डिंग कर लिया, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के 10 एमसीक्यूज हैं। द स्पीशीज सीएल माइनस वन, के प्लस वन एंड आर्गन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मीन इन सब के पास इलेक्ट्रॉन सेम है। दिस मीन्स दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियाई डिक्रीज। आपने बताना है कि लार्जेस्ट कौन है इसमें, स्मॉलेस्ट कौन है। अब पता है क्या करें आप, क्लोराइड इसमें 18 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, पोटाशियम इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और 19 प्रोटॉन है, ठीक है, और आर्गन जो है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और 18 प्रोटॉन। अब आप जरा ये चेक करें कि जो रेडियस की बात कर रहे हैं ना, ये साइज की, तो न्यूक्लियर पुल के ऊपर वेरी, क्योंकि देखिए शेल तो सेम है, शेल सेम। अब बात रहेगी पीछे, सबके पास तीन तीन शेल है। अब पीछे मसला रह गया कि न्यूक्लियर पुल किसका कम है, जिसका न्यूक्लियर पुल कम होगा उसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर दूर होंगे, जिसका न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखेगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो न्यूक्लियर पुल जो है सबसे कम आ रहा है क्लोरीन का, वीक न्यूक्लियर पुल। कैसे पता चला, सिर्फ 17 को देखकर नहीं, इलेक्ट्रॉन से भी आप कंपेयर कि 18 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने, अच्छा इलेक्ट्रॉन सेम है तो आप सिर्फ प्रोटॉन को देख लें, बस 17 प्रोटॉन। तो क्लोरीन का साइज, जब इसका न्यूक्लियर पुल कम है, वीक न्यूक्लियर पुल, तो इसका साइज बिगर हो जाएगा, क्लोराइड का साइज बिगर होगा। और इसमें सबसे स्मॉल साइज पोटेशियम आयन का क्यों है, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए 19 प्रोटॉन है, प्रोटॉन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग ही खींचेंगे, साइज श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू पे आए, कह रहे जी द ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल शॉट थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ वैक्यूम आर शोन इन द डायग्राम, द वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल थ्री पार्टिकल्स, दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड because they are charged particles, ye statement theek hai, the neutrons are undeflected as they have no charge, ye baat bhi theek hai, the electron is deflected more than the proton at because it has less mass, lekin jitna lighter hoga utna zyada deflection hogi, to option a, tino baatein theek hai. Next question number 3, the atomic radius of elements decreases moving across period 3. Which of the following statements explain this phenomena? अब ये देखिए बेटा कि एटॉमिक रेडियस जो है ना लेफ्ट टू राइट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ये तो आपने ट्रेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि अगर आप ब्रिलियम से बोरॉन आगे की तरफ जाएं या सोडियम से आगे मूव करें मैग्नीशियम, फिर आगे एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, तो ये एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, ये आपने बेटा इसमें बताना है। द इलेक्ट्रॉन शेल्स आर एडेड, नहीं भाई पीरियड के अंदर शेल एड नहीं होते। द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, न्यूक्लियर चार्ज बिल्कुल बढ़ता है भाई, आप देख सकते हैं 11, 12, 13, 14, 15, और इसी तरीके से देखें देयर इज अ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 and 3 स्टेटमेंट करेक्ट है ना, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। अच्छा नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4, निवरा आप, मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, आप फिर देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने जो ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था उसका ए कराया था बेटा, उसके सारे ऑप्शन ठीक थे, सारे ऑप्शन ठीक थे। अच्छा बेटा आप देखें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एलिमेंट एक्स इन सेकंड पीरियड, इट हैज फर्स्ट 7 आयोनाइजेशन एनर्जीज, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट एक्स। देखिए आपको पता है कि सेकंड पीरियड में ग्रुप नंबर अभी आप निकाल लेंगे, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, देखिए आपको मैं पहले बता दूं
कि सपोज ये एक एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6। आप बेटा ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालें, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सिक्स आयोनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन जब आप सातवां इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो किधर होगा? इनसाइड द शेल, इनर शेल में होगा। तो सेवेंथ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है? तो इससे आपको पता चल जाता है कि जहां बिग जंप आ रहा है। अब देखिए सातवें इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसका मतलब है जो पहले छह इलेक्ट्रॉन थे ना वो सेम शेल में थे, जो पहले छह इलेक्ट्रॉन थे वो सेम शेल में। अब आप जरा देखें कि यहाँ पर बिग जंप किधर आ रहा है, यहाँ पर इधर 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 या इधर। इधर आप देखेंगे 13,000 से 71,000 पे जा रहा है, दिस इज द बिग जंप, 1 2 3 4 5 6। मतलब ये हुआ कि सिक्स इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ना जो सेवंथ इलेक्ट्रॉन था वो इनर शेल में था। इट मींस कि इस एटम के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अगर इस एटम के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये छठे ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। किससे? छठे ग्रुप से, ग्रुप 6, और वहां से सेकंड पीरियड। ये भी आपको पता है जी, उसने बताया हुआ सेकंड पीरियड। तो अब यहाँ बेटा जब मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बेटा आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है। ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2 एंड 2p4। ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक है? सेकंड पीरियड उसने ऊपर बताया हुआ है। बिग जंप आपने देखना है, जहां पर जब बिग जंप होगा दैट इज द ग्रुप नंबर, और पीरियड और ग्रुप नंबर पता है तो आप उस एलिमेंट तक पहुंच जाएंगे। ऑक्सीजन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसने ये बताई है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। फॉर द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ ऑक्सीजन वेयर वुड द हाईएस्ट जंप बी एक्सपेक्टेड टू अकर? ये भी बेटा हमने किया है। फिर आ गया क्वेश्चन, देखिए ऑक्सीजन के लिए पूछता है ना कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये छह के छह इलेक्ट्रॉन ना थोड़े थोड़े डिफरेंस से निकल जाएंगे। मतलब हर नए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। लेकिन वो कह रहे हैं कि हाईएस्ट जंप किधर होगा? जब आप ये सेवंथ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो सेवंथ आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी, सेवंथ आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें आपको बड़ा जंप मिलेगा, ठीक है जी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स, बड़े बस ये पूरे हो जाए ना 10, फिर हम नमाज की ब्रेक करेंगे आधे घंटे की, और देन हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? 6 o'clock से 7 o'clock, एक घंटा और लेंगे भी, लेकिन पहले ये पढ़ लें। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द सिमिलरिटी इन केमिकल बिहेवियर फॉर द आइसोटोप फॉर द सेम एलिमेंट? इसका क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा इसने स्टेटमेंट जो है ना अजीब सी लिखी है इसमें, कि विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द सिमिलरिटी इन केमिकल बिहेवियर फॉर आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट आप समझ लें कार्बन है, C6-12, C6-13 और C6-14। तो जो आपको पता है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो केमिकल बिहेवियर फॉर द आइसोटोप एक सेम एलिमेंट का, तो वो कौन सी चीज एक्सप्लेन कर रही है? सेम, हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शंस बी। ये बात याद रखनी है आपने कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? तो आइसोटोप्स के जो केमिकल बिहेवियर है वो सेम क्यों है? क्योंकि उनके पास सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन, ये उसने जो आगे कंडीशन लगा दी ना, डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन नहीं भाई, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो सेम रिएक्शन देंगे। ये नहीं है कि रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे कि इस, वो रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करते। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उन्हें एक जैसे रिएक्शन देने हैं। चाहे आप इसकी एग्जाम्पल ये ले लें, C6-12 है या C6-13, दोनों को आप बर्न करें ना तो दोनों ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, अगर आप एक्सेस ऑफ एयर में बर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो सेम केमिकल रिएक्शन देते, बाकी सीडी तो बिल्कुल रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 7,
which species produces a half-filled set of p orbital on losing an electron? देखें लिथियम में तो p होता ही नहीं है, फ्लोरीन में देखें। अब लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से कह रहा है कि f जो है ना हाफ फिल्ड होना चाहिए। फ्लोरीन के पास 9 होते हैं ना, 1s2, 2s2 और 2px2, 2py2, 2pz1। अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर भी दे ना तो ये हाफ फिल्ड नहीं बनेगा, स्टिल ये पार्शियली फिल्ड होगा, तो फ्लोरीन नहीं है। नाइट्रोजन देखें, 7, 1s2, 2s2 एंड 2p3, ये पहले हाफ फील्ड है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी नाइट्रोजन तो फिर ये हाफ फील्ड नहीं रहेगा, फिर ये पार्शियली फील्ड हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी जरा देखें, n-1, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 1s2, 2s2, 2px1, y1, z1 और एक इसने ये गेन किया हुआ। जब ये गेन किया हुआ जो इलेक्ट्रॉन है जब ये लूज करेगा यहाँ से n-1, तो फिर इसके पास नाइट्रोजन बन जाएगा कि ऐसे। ये देखिए ये p जो है ना इसका हाफ फील्ड हो गया, ठीक है, दिस इज द आंसर, डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप इन द ऑर्बिटल बिफोर ऑक्युपाइंग एन ऑर्बिटल ऑफ अ हाई एनर्जी लेवल। देखें वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है कि सपोज आपके पास है ब्रिलियम, ब्रिलियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन राइट, 1s2, 2s2। वो कह रहा है ऐसा क्यों नहीं होता कि 1s2, 2s2, सॉरी 1s2, 2s1 एंड 2p1। उसकी स्टेटमेंट ये पूछ रही है कि वाई इलेक्ट्रॉन पेयर अप इन ऑर्बिटल, कि इलेक्ट्रॉन पहले पेयर क्यों होता है, मतलब 2s में 2 आए देन इलेक्ट्रॉन 2p में जाएंगे। कह रहा है व्हाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप इन ऑर्बिटल बिफोर ऑक्युपाइंग एन ऑर्बिटल ऑफ अ हायर लेवल। कह रहा है इलेक्ट्रॉन इस तरह नहीं जाते कि 1s2, 2s1 और 2p1। मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि अगर एक तरफ हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होती है भाई एक ऑर्बिटल में, तो फिर इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी में चले जाना चाहिए ना, तो वहां क्यों नहीं जा रहा। तो अब जरा देखिए कौन सी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेगी। द एनर्जी फ्रॉम रिपल्शन इज ग्रेटर then the jump to a higher orbital. बेटा अगर ये बात ठीक होती ना, अगर ऑप्शन ए की बात ठीक होती तो कभी भी इलेक्ट्रॉन ने पेयर होना ही नहीं था, क्योंकि वो कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना तो उसकी रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो क्या करता है रिपल्शन इतनी ज्यादा होती है जंप करने से भी ज्यादा हो जाती है, तो फिर तो अगर इतनी ज्यादा रिपल्शन हो रही है फिर तो इलेक्ट्रॉन को जंप ही कर जाना चाहिए और कभी पेयर में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऑप्शन ए ठीक होता तो एनर्जी फ्रॉम रिपल्शन इज ग्रेटर। कह रहा है कि ये जो रिपल्शन की एनर्जी है 2s2 के अंदर जो दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे को, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इनकी रिपल्शन ज्यादा है, ठीक है, किसके मुकाबले में, देन जंप टू अ हायर ऑर्बिटल। तो ये गलत है, इतना तो नहीं होता ना, पहले तो पेयरिंग होती है, मतलब इसका ये है कि रिपल्शन कम होती है, रिपल्शन कम है और उसमें आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिटल में भेजने के लिए। जरा बी देखें, इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हायर एनर्जी ऑर्बिटल बिफोर लोअर, नहीं पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल ऑक्युपाई करते हैं देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल ऑक्युपाई करते हैं। सी इलेक्ट्रॉन इन लोअर ऑर्बिटल हैव हाई एनर्जी, बिल्कुल गलत है, जो ऑर्बिटल्स लोअर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है और जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिटल में जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। डी देखें, द एनर्जी फ्रॉम रिपल्शन इज लेस देन जंप टू अ हायर। वो कह रहे हैं कि जब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना तो उनमें रिपल्शन होती है लेकिन बहुत कम होती है उस एनर्जी के मुकाबले में कि जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के हायर एनर्जी में भेजनी पड़े। इसलिए इलेक्ट्रॉन की प्रेफरेंस ये होती है कि वो ये रिपल्शन थोड़ी सी बर्दाश्त कर ले, क्योंकि अदरवाइज उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए हायर एनर्जी में जाने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी फ्रॉम द रिपल्शन इज लेस, रिपल्शन की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू आप अगर इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिटल में जंप करवाएं, तो डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, the first ionization energy of beryllium is higher than the first ionization energy of boron. Beryllium hai ji 1s2 2s2, boron hai 1s2 2s2 2p1. dekhiye
बोरॉन का इलेक्ट्रॉन 2p से निकलेगा और ब्रिलियम का 2s से निकलेगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ब्रिलियम इज हायर। बोरॉन हैज आउटर शेल, फुल आउटर शेल, नो फुल तो नहीं है भाई, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वैलेंस शेल में, फुल नहीं है ना। अच्छा, बोरॉन हैज अ लार्जर एटॉमिक रेडियस, नहीं भाई लेफ्ट टू राइट तो पहले ब्रिलियम आता है देन बोरॉन आता है, और लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज कम होता है, तो ये कह रहा है लार्जर, गलत है। ब्रिलियम हैज अ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यस। अब ये कह सकते हैं कि ब्रिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड, ठीक है, ये ठीक है। Option C is the right answer. The atomic number of beryllium is higher than boron. ये तो बिल्कुल गलत है। Last question है बेटा, फिर नमाज की break है। The electronic configuration of 4 different atoms are shown. Which atom has the highest first ionization energy? अच्छा मेरी बात सुने जरा। आपको ये पता है कि general trend क्या है ionization energy का? अगर मैं आपको general trend बताऊं, ये suppose lithium है, ये beryllium है, ये boron है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है और ये नियोन है। अगर आप इन दो को छोड़ देना, इसको और इसको, तो जनरल ट्रेंड क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, है ना। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 4 डिफरेंट एटम्स आर शोन, व्हिच एटम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए इन दो को छोड़ के आपने जनरल ट्रेंड भी देखना है। अब देखें ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 3s, इसको तो बिल्कुल ही निकाल देना क्योंकि इसका तो साइज ही बड़ा हो गया। देखें इसको तो निकाल, ये तो इसका एक शेल एक्स्ट्रा है, तो जो बिगर साइज के एटम होंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, उसकी हायर आयनाइजेशन नहीं होगी। अगर वो कहते हैं ना व्हिच एटम हैज द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो ऑप्शन ए होना, लेकिन यहां तो ये गलत हो गया। बी सी डी में देखें कौन ज्यादा स्टेबल है। अब ये देख लें बेटा, नियॉन, नियॉन मैंने इसलिए लिखा है कि ये सारे जो है ना उसने सेकंड पीरियड के लिए 1s2 2s2 ये 1s2 2s2 ये ब्रिलियम है, 1s2 2s2 2p6 ये बेटा नियॉन है। तो देखें किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, नियॉन की। क्यों बेटा, इसमें काफी सारी रीजंस है, रीजंस बताता हूं आपको। न्यूक्लियर पुल ज्यादा है नियॉन का, न्यूक्लियर पुल ज्यादा होने के बाद आप ये कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज उसका कम हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो नियॉन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और 2p4 वाला तो आपको पता है बेटा डिप आ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन है उसमें, स्पिन पे रिपल्शन आ रही है। तो आपने ना यहाँ पर काइंडली यहाँ पर ऑप्शन ए को तो आप निकाल देंगे ना क्योंकि एक शेल इसमें एक्स्ट्रा है। तो ये जो बी सी डी है इसमें आप देखेंगे यार कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, तो बी सी डी है सेम पीरियड से है क्योंकि दोनों के पास तीनों ऑप्शन में दो दो शेल आ रहे हैं। तो अब ये ग्राफ अपने सामने बना लीजिए और आप देखिएगा कि जनरल ट्रेंड क्या है। जनरल ट्रेंड यही है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, ठीक है। अब बेटा मैं आपको आधे घंटे की ब्रेक दे रहा हूँ, 30 मिनट की, एट 6 o'clock जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल एनर्जेटिक्स, उसके MCQ सबसे मुश्किल है, ठीक है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। MCQ एनर्जेटिक्स के सबसे मुश्किल है, जो भी हमने करने हैं उसकी कैलकुलेशन अच्छी खासी टफ है, वो क्लास मिस नहीं करनी, वो 6 to 7 अभी मैं लूंगा आप लोगों की, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।